आज मैं आपके लिए मैगी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें मैंने कुछ वेजेस भी डाले हैं। ये एक हेल्दी रेसिपी है, इसे हर कोई खा सकता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में पानी गरम करेंगे और उसमें 2 पैकेट मैगी डालकर पका लेंगे। मैगी के पक जाने के बाद उसे छलनी की सहायता से छान लेंगे। फिर ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डालने से ये ओवरकुक नहीं होते। अब एक प्याज, एक टमाटर और कुछ फलियां, हरी मिर्च, 2 आलू ले लेंगे। आप शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी इत्यादि भी डाल सकते हैं। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और फिर उसमें कटे हुए प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखेंगे। अब इसमें हरी मिर्च और टमाटर डालकर फ्राई कर लेंगे। टमाटर के फ्राई हो जाने के बाद अब इसमें कटे हुए आलू डालेंगे। और फलियां डालेंगे और इन्हें 1-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें स्वादानुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब ढक्कन लगाकर सब्जी को पका लेंगे। यहाँ आप टेस्ट मेकर डाल सकते हैं, लेकिन हम बिना टेस्ट मेकर के ही बनाएंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है और अब इसमें हम बॉयल किए हुए मैगी नूडल्स डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को बच्चों के लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं। ट्रैवलिंग में भी अगर आप कहीं जा रहे हैं तो साथ में बनाकर ले जा सकते हैं। इसमें वेजिटेबल्स होने के कारण ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। इस रेसिपी को सुबह के नाश्ते से लेकर डिनर तक कभी भी खाया जा सकता है। इसे हर उम्र का व्यक्ति खा सकता है। तो आप भी अपने परिवार के लिए घर पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए।